मस्ती है देखो छोड़ते चिंकी जी। ना आज हमने खाने में बनाया है, होममेड बनाया है। इसमें हमने चावल और रोटी, कैल्शियम, मल्टीविटामिन वगैरह मिलाए हैं। अब इसमें दही के साथ देंगे इनको। मैगी को बाहर निकालता हूँ मैं। चलो ये तो पागल हो गया चिंकी के पीछे, देखो इसे। अब यहाँ लड़ी होगी देखना। ये चिंकी परेशान कर रही है मैगी को। इसे चिंकी को कोई परवाह ही नहीं है, ये जो परेशान इसे कर रहा है इसे पता ही नहीं चल रहा है। इतनी मतलब देख रहे हो आप। अब इसे रिएक्ट करना लगी है। बड़ी पूरी तरह से घूम चुका है इसके अंदर, बताओ। इसीलिए तो हम बोलते हैं जब हीट टाइम पीरियड्स आते हैं तब डॉग्स की ट्रेनिंग नहीं होती है या ट्रेनिंग पर नहीं लेते हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना होता है कि जब भी कोई डॉग टाइम पीरियड्स पर आ जाता है तो वो फिर सुनता नहीं है। और हमें अब इसे क्या बताऊँ या क्या पूछूँ, बताओ इसे कैसे ट्रेन करूँ, आप बताएँ। क्योंकि ये तो सिर्फ इसको अपने रिक्वायरमेंट के अलावा कुछ भी याद नहीं रहा। तो मैं बड़ी वालों से कह सकता हूँ कि बड़ी वाले अगर आप हो आ सकें तो बोले आके लिख के जा सकते हैं। क्योंकि अब ये मान के चलते हैं 10 से 15 दिन तक इनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। अगर कोई भी डॉग यहाँ ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आया है तो अभी लेके जा सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम तक ट्रेनिंग नहीं होगी। सिर्फ हॉस्टल ही चालू रख सकेंगे जो कि अभी चल रहा है। आप देख रहे हो सब एक ही टाइप के मस्तियाँ कर रहे हैं सब के सब डॉग्स। किसी को कोई दूसरी मस्तियाँ याद नहीं आ रही है या कुछ भी नहीं। सब अपने अपने में लगे हुए हैं। रीज़न सिर्फ एक, क्योंकि यहाँ दो डॉग्स टाइम पीरियड्स पर चल रही है, उस वजह से इन सब डॉग्स की हालत देखो। अब इसे देखो, हमारा मनसुख जो इतना डर डर रहा था उसे देखो, और इस दीवाने को देखो, चिंकी का पागल हुआ है जो एक दो दिन में मैगी भी इस टाइप की हल्की मुल्की हरकतें करने लग जाएगी। क्योंकि पहले खुशी का टाइम आया है, अब दो दिन से मैगी का भी स्टार्ट हो गया है पीरियड्स। तो ऐसे में सिर्फ बच्चे खेल सकते हैं हमारे निगरानी में, कि हम इसे कोई भी झगड़ा हो या फाइट वाइट होने हो तो बीच में जाके रोक सकें। बस इस पर्पज से इनका खेलना कूदना बन सकता है बेस्ट टाइप का। बस मंशु को देखना, मंशु अब तू पहले आने चिंकी अंदर डालने, तो खाना नहीं खाया।
सबसे ज्यादा इसको डॉग फूड पसंद है, इसको भी हटा दिया था डॉग फूड खाने के चक्कर में। मैंने डॉग फूड डाला है, इसे भी खाना है एक्स्ट्रा में, उसको भी खाना तो फिनिश हो गया पूरा। डॉग फूड डाला है, जिसे भी डॉग फूड खाना है वो डॉग फूड खा सकता है। खा ले बाबूड़ी, तू 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 कोचो चो पानी, अच्छा बच्चा वो देखो खाने नहीं दिया इसे, अब यहाँ से खुशी खाने नहीं देगी। तू खा ले फटाफट, तू खा ले। डॉग फूड और डाल दिया, जिन्हें डॉग फूड पसंद है। अरे फिर तुम बड़ी खाने दे चिंकी को, मनशु आजा नीचे। पीरियड्स पर ऐसा होता है डॉग्स के साथ, वो अपने आप को रोक नहीं पाता और मैं भी उनको नहीं रोक सकता, क्या करें बेचारे यार, ये अपने लाइफ में उन चीज़ों से वंचित है इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स रहती है। इनका भी थोड़ा मन हल्का हो जाए, वैसे होगा जाएगा कुछ भी नहीं क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ तो मुझे पता है एग्जैक्ट कौन से टाइम पर मैट कराना चाहिए जिस वजह से वो मैटिंग हो पाती है। तो अभी ऐसा कोई हमें डर नहीं है क्योंकि ये अभी साइड देना स्टार्ट करी है, ना कि प्रॉपर दे रही है। जिस समय प्रॉपर देगी तभी इसे यहाँ से हटा दिया जाएगा, डॉग से मिलाएंगे नहीं, सिर्फ फीमेल डॉग से मिल सकेगी। और वैसा का वैसा मैगी का भी है, तो जब मैगी का वो टाइम आएगा जब ये साइड देनी चालू कर देगी तब हम उसे भी यहाँ से हटा देंगे। स्मेल तो आती रहेगी दूसरे डॉग्स को, पर क्या करें, वो जिनके हॉस्टल्स हैं उनको थोड़ा बहुत सेटल करना ही पड़ेगा। ट्रेनिंग अभी ले नहीं रहे हैं और अभी 15 डेज तक तो ले ही नहीं सकेंगे, रीज़न आज एक दो दिनों से आपको पता चल ही रहा है। जो लिंक पर नए हैं ये सब इन्फॉर्मेशन उनके लिए दी जा रही है, जो नेक्स्ट अपकमिंग डॉग्स थे उनके लिए भी है कि भाई हमने कहा था कि आप वीडियोस देख लीजिएगा, तो वीडियोस में जो मैं बात बता रहा हूँ यही एक पॉइंट है, उसके वजह से अभी ट्रेनिंग बंद कर रखी है हम लोगों ने।